नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छिपकली देखना कब शुभ होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको शुक्रवार के दिन अचानक से घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। वहीं अगर मंदिर में मरी हुई छिपकली दिखे तो यह अशुभ होता है। यदि आपको सुबह सुबह ही छिपकली नजर आ जाए तो यह उन्नति और लाभ का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत दे रहा है। यदि आपको काली छिपकली नजर आती है तो इसे अलक्ष्मी का संकेत माना जाता है। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बहन, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं और इनके आगमन से जीवन में आर्थिक हानि होती है। मंदिर में छिपकली का बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर जाते हुए दिखना शुभ संकेत होता है। ये आपके लिए आर्थिक लाभ देने वाला होता है। मंदिर में छिपकली को जाते हुए दिखना शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप खाना खा रहे हैं और आपके आगे में छिपकली गिर गई है तो यह आपके भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। यह संकेत आपको बताता है कि आने वाले समय में आपको सुख समृद्धि का योग है। यदि आपको कभी मुख्य द्वार पर छिपकलियों का जोड़ा दिखाई दे तो ये आपके घर में किसी अच्छी खबर का संकेत देता है। ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छे संकेत देता है। यदि आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास आ गई है तो मुख्य द्वार पर छिपकलियों का जोड़ा आपके लिए शुभ है। यदि आपको कभी घर के मुख्य द्वार पर पूंछ कटी हुई छिपकली दिख जाए तो समझें कि आपके शत्रु आप पर जल्द ही हावी होने वाले हैं और आपको धन हानि भी हो सकती है। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और आपको छिपकली दिखाई दे तो समझें कि यात्रा सफल होने वाली है। आप यदि किसी नौकरी के उपाय इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं यदि आपको यात्रा पर जाते समय मरी छिपकली मुख्य द्वार पर दिख जाए तो ये अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। यदि आपको घर की फर्श में चलती हुई छिपकली नजर आ जाए तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि मंदिर की फर्श में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपको आर्थिक नुकसान होने वाला है। वहीं अगर पूजा करने के दौरान छिपकली आपके ऊपर चढ़ जाए या शरीर पर छिपकली गिर जाए तो माना जाता है कि बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। दिवाली या अन्य किसी बड़े पर्व पर अचानक से घर के मंदिर में छिपकली नजर आ जाए तो इसे शुभ मानते हैं। दिवाली का पर्व देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में छिपकली नजर आ जाए तो यह अतिशुभ ही कहलाएगा। वहीं अगर कटी हुई छिपकली या जख्मी छिपकली घर में नजर आए तो ये अशुभ संकेत हो सकता है। इससे घर में कलह और कलेश बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।